स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमाचल फॉर एवर में। दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए जॉब्स की अपडेट। और दोस्तों आज की जो जॉब्स की अपडेट है रहने वाली है हमारे पास हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। दोस्तों यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग पदों हेतु जो है यहाँ पे आवेदन मांगे गए हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, जो हमारे पास पद रहेंगे वो हमारे पास भरे जाएंगे यहाँ पे। तो ये पद भरे जाएंगे हमारे पास HP स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। पदों का नाम रहेगा जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, 14 पद रहेंगे। दोस्तों इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी भी वहाँ पे इन्होंने बताया लेवल 12 का जो आपको पे बैंड मिलेगा 43,000 से लेकर 1,36,000 के करीब आपकी सैलरी होगी। इसमें दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन्होंने बताई है, आपकी फर्स्ट क्लास MSc डिग्री होनी चाहिए इन एनवायरमेंटल साइंस में, केमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, विद बैचलर डिग्री इन बेसिक साइंस फ्रॉम इरकोना यूनिवर्सिटी में। एज लिमिट की दोस्तों बात करें तो 18 से 45 वर्ष बताई गई है। दोस्तों तो अब बात करते हैं कि इन पदों के लिए जो फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो दोस्तों इस पद को भरने के लिए जो फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 1/5/2023 रहेगी। दोस्तों बात करते हैं अपनी अगली अपडेट की। दोस्तों इसी तरह हमारे पास अगला जो नोटिफिकेशन निकाली है वो पद रहेंगे दोस्तों हमारे पास जल शक्ति विभाग में, और ये पदों का नाम रहेगा असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, 11 पद दोस्तों ये रहेंगे। इसके लिए जो उन्होंने सैलरी बताई है आपकी 15,600 से लेकर 39,100 रुपये के बीच में आपकी सैलरी होगी। अब दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट दोस्तों इसमें रहेगी 18 से 45 वर्ष। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको इसके लिए जो एलिजिबिलिटी रहने वाली है क्या रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। दोस्तों उन्होंने यहाँ पर बोला है कि आपकी जो फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी इंस्टीट्यूट से, और साथ में उन्होंने बोला है कि आपको हिमाचल प्रदेश के कस्टमर मैनर की यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट दोस्तों मैंने आपको बता ही दी है कि 18 से 45 वर्ष आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। दोस्तों अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके लिए जो फीस वगैरह क्या रहेगी और इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने के लिए दोस्तों आपको जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना होगा, वहाँ पर जाकर दोस्तों आपको अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करनी होगी। अगर आपकी पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आपको जाकर सिर्फ अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा। और दोस्तों बात करें फीस की, तो यहाँ पर जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए जो फीस रखी गई है वो 400 रुपये रखी गई है, और SC ऑफ हिमाचल प्रदेश या OBC ऑफ हिमाचल प्रदेश तो या EWS कवर्ड अंडर BPL तो उसके लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। एक सर्विस मैन और वोमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखी गई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इन पदों को जो भरने की जो एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे क्या क्या रहेंगे। तो एग्जामिनेशन सेंटर दोस्तों यहाँ बोला है धर्मशाला, मंडी, शिमला, ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर हो गया। आपका ऑनलाइन जो है एग्जामिनेशन होगा, CBT आपका होगा, कंप्यूटर बेस आपका एग्जाम होगा। दोस्तों बात आती है कि इन पदों को जो फॉर्म फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो क्या रहने वाली है। तो दोस्तों इन पदों के लिए जो लास्ट डेट रहेगी आपकी वो 5 तारीख जो उन्होंने बताई है कि 1/5/2023 बताई है, यानी 1 मई 2023 तक आप अपना आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों डिटेल के लिए दोस्तों आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों जो उसमें मेन पॉइंट है वो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिए हैं। दोस्तों अगर आपको आज की जो जॉब्स की अपडेट अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह के नई नई जॉब्स के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए आप बने रहें हिमाचल फॉर एवर के साथ। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।